Assalamu alaikum friends. Today I will talk about Strait of Hormuz, its geostrategic importance. तो इससे पहले हमने एक लेक्चर में ग्वादर पोर्ट के बारे में बात की, फिर हमने उसी लेक्चर में देखा कि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब है। फिर हम दुनिया की जो सिग्निफिकेंट स्ट्रेट्स हैं उनके ऊपर हमने बात की लास्ट लेक्चर में, और आज लेक्चर नंबर 93 है, 93 लेक्चर है, जिसमें हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में बात करेंगे। और इससे आने वाले लेक्चर में हम स्ट्रेट ऑफ मलाका या मलाका स्ट्रेट की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वी आर कमिटेड टू द काज कि आज हमारा 93rd लेक्चर है इस चैनल का, और हम इस लेक्चर में आपको बता दूं कि जितना एक जानना ज़रूरी है आपके लिए इस स्ट्रेट के बारे में, वो मेरी कोशिश है कि आपको इसी वीडियो में वो सारा का सारा मिल जाए। असल चीज़ जो है वो आपके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढ के लाना, उसको कंपाइल करना और उसको आपके सामने प्रेजेंट करना है, इस तरह के आपको याद रहे। और यही इस लेक्चर इस चैनल की ख़ास बात है कि आपके हिस्से की जो रिसर्च है वो मैं खुद करूं और आपके लिए रेलेवेंट कंसाइज इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूं। As an aspirant of comparative examination, you must have these two maps: political maps of Pakistan and map of the world map, ताकि आप रेफर कर सकें और आप अपने बेडरूम की जो शुमाली दीवार है उस पर ज़रूर इसको चस्पा कर दें, पेस्ट कर दें, लगा दें और रेफ़र करते रहें। इंटरनेशनल लॉ में, जनरल नॉलेज में, या वर्ल्ड का जो वर्ल्ड जोग्राफ़ी है या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो हैं उनमें आपको हेल्प करेगा। तो मैप से चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझी जा सकती हैं, जैसा कि हम इस तरीके से समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की इम्पोर्टेंस क्या है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो लेफ़्ट साइड पे देयर इज़ मेडिटरेनियन सी, जिसको बहरा रूम कहते हैं, इसके नीचे रेड सी है और दरमियान में है सुएज कनाल। सुएज कनाल 1869 में बनाई गई थी और आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड कनाल है जो कि दो जो सीज़ हैं उनको मिलाती है, रेड सी और मेडिटरेनियन सी को। एक तरफ इसके इजिप्ट है, इसके फिर रेड सी से आगे आप जाएं तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के दरमियान जो स्ट्रेट है इसको बाब अल-मंदेब कहते हैं। ये भी स्ट्रेट है, इसका ये अरबी नाम है। और इसके बिल्कुल काउंटर पार्ट अगर आप ऊपर चले जाएं तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नज़र आ रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ से आगे जो है गल्फ ऑफ ओमान है, और गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बिल्कुल दरमियान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ईरान है और इसके सदर्न साइड पे दो ममालिक हैं, UAE और ओमान। तो ये बहुत नैरो स्ट्रेट है और इतनी नैरो है कि ये तकरीबन जो बाउंड्री कंट्रीज़ हैं उनके ये टेरिटरीज़ में, उनके जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनका ये काफ़ी हिस्सा जो है वो उसमें आ जाता है। यानी इंटरनेशनली जो कन्वेंशन है उसके मुताबिक ये जो बाउंड्री कंट्रीज़ हैं वो अपना राइट जो है इसके ऊपर डिक्लेयर करते हैं कि हमारा राइट है इस स्ट्रेट के ऊपर। और ये पर्शियन गल्फ और रेड सी के दरमियान, यानी पर्शियन गल्फ और आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ओमान, नीचे अरेबियन सी, ये सारा जो पेनिनसुला है ये अरेबियन पेनिनसुला कहलाता है। एक तरफ इसके रेड सी है, ऊपर मेडिटरेनियन सी है, एक तरफ पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ एडन है, ऊपर गल्फ ऑफ ओमान है, नीचे अरेबियन सी है। तो ये जो बाउंड्री है इसके अंदर सारा का सारा जो है ये अरेबियन पेनिनसुला है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ आते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है ये पर्शियन गल्फ को मिलाती है गल्फ ऑफ ओमान से। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत नैरो पैसेज है, ऊपर इसके ईरान है, नीचे UAE और ओमान है, और ये पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है उसके काफ़ी करीब वाक़या स्ट्रेट है। अगले लेक्चर में हम स्ट्रेट ऑफ मलाका के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो जियोस्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो हम जानते हैं। इट इज़ दी ओनली पैसेज फ्राम द पर्शियन गल्फ टू दी ओपन सी, यानी कोई और समंदरी रास्ता अवेलेबल नहीं है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट चोक पॉइंट्स, मतलब ये है चोक पॉइंट से मुराद होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे जोग्राफिकली स्ट्रेटेजिकली किसी इंफीरियर मिलिट्री को किसी सुपीरियर मिलिट्री के खिलाफ एज हासिल हो। तो यहाँ पे अगर कोई इंफीरियर मिलिट्री भी इस जगह पे काबिज हो जाए और इस रास्ते को ब्लॉक कर दे तो वह एक बहुत भरपूर स्ट्रांग मिलिट्री अपोनेंट के खिलाफ काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। इसलिए इसको वर्ल्ड सिग्निफिकेंट चोक पॉइंट भी कहा जाता है। इसकी लेंथ और वेट्स जो है, इसकी लेंथ जो है वो 90 नॉटिकल माइल्स है जो 157 किलोमीटर बनते हैं। समंदरी पानी की हदूद में जो लेंथ की यूनिट होती है उसको नॉटिकल माइल बोलते हैं। और इसकी जो विड्थ है ये 52 नॉटिकल माइल्स है, यानी 96 किलोमीटर्स। और ये वेरी करती है, ज़्यादा बड़ी विड्थ 52 है, कम से कम 21 नॉटिकल माइल्स है। और 21 नॉटिकल माइल से मुराद 39 किलोमीटर्स है। यानी इट्स नैरोएस्ट पॉइंट जो है ये इतनी नैरो हो जाती है एक पॉइंट पे, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, कि ये 39 किलोमीटर तक रह जाती है। और जब ये 39 किलोमीटर तक बच जाती है तो ये इसमें जो जहाज गुजर रहे होते हैं, ऑयल टैंकर्स, ऑयल शिप्स जो ऑयल कैरी कर रहे होते हैं, गैस कैरी कर रहे होते हैं, वो उनकी शिपिंग लाइन्स बहुत करीब करीब आ जाती हैं और ये बिल्कुल जैम पैक्ड हो जाती है। ये एक जैम पैक्ड रूट है ऑयल का, एनर्जी का, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम इसकी बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। जनरली ये जो फिगर्स हैं ये हमने राउंड अबाउट फिगर्स लिए हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद लिए हैं। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG and 25% of global oil consumption passes through this strait. 1/3 of the LNG consumption और 25% of global oil, यहाँ से of global oil consumption उसका 25% जो है वो इस स्ट्रेट से गुजरता है। इससे आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। हाईली इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। 2018 के फिगर के मुताबिक द एवरेज नंबर ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल एंड अदर पेट्रोल लिक्विड्स पासिंग थ्रू दिस स्ट्रेट वाज अबाउट 21 मिलियन बैरल्स पर डे। 21 मिलियन बैरल्स पर डे। और ये इतना बड़ी ट्रेड है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका से 16 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल गुजरते हैं पर डे और स्वेज कनाल से 5.5 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल डेली गुजरते हैं। और एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर्स। सो ये फिगर्स आपने याद रखने हैं। इन कंपैरिजन ये सबसे अहम है। यानी ये जो फिगर है ये बताता है कि ये जो स्ट्रेट है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो स्वेज कनाल और स्ट्रेट ऑफ मलाका से भी ज़्यादा है। This is about 21% of the entire world daily oil consumption. इसको 1/3 का 1/4 भी कह सकते हैं, 1/5 भी कह सकते हैं। 1/3 of the sea transited oil on earth travel through the strait. जितना ऑयल समंदर के जरिए ट्रेड होता है उसका 1/3 यहाँ से जाता है। कुछ ऐसा ऑयल भी है जो ज़मीनी रास्ते से या पाइपलाइन के जरिए जा रहा होता है। जो ट्रेड ऑयल की ट्रेड समंदरी रास्ते से हो रही है जिस ऑयल की, उस ऑयल का 1/3 इस स्ट्रेट से गुजरता है। 2018 के फिगर के मुताबिक दुनिया का जो क्रूड ऑयल है जो कि इस स्ट्रेट से गुजरा, उसका इस स्ट्रेट से गुजरने वाले तमाम क्रूड ऑयल का 76% जो है वो एशिया में गया। ज़्यादातर ये जो ऑयल था ये 5 कंट्रीज़ में गया, चाइना, इंडिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। तो ये इसकी बेनिफिशरीज हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना ने जो ऑयल जहाँ से गुजारना है उसी के लिए वो CPEC बना रहा है, जिससे वो रूट अपना कम करेगा। ये हमने पिछले लेक्चर में बात की है, इसलिए ग्वादर पोर्ट की अहमियत है और इसीलिए सीपैक की अहमियत है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या क्या है। सऊदी अरेबिया हैज कंस्ट्रक्टेड एन ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन that can transport up to 5 million barrels per day. This pipeline connects Persian Gulf with the Red Sea. यानी कहाँ 21 या 20 मिलियन बैरल पर डे और कहाँ 5 मिलियन, तो ये तो उसका चौथा हिस्सा बनता है। तो पाइपलाइन बिछाई गई है लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है वो कम है, जो ट्रेड आयल की हो रही है थ्रू दिस स्ट्रेट समुद्री रास्ते से वो बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले में पाइपलाइन के ज़रिए कम है उसकी स्पेस। इट आल्सो हैज नेचुरल गैस पाइपलाइन दैट कैन ट्रांसमिट द इक्विवेलेंट ऑफ 3 लाख बैरल्स पर डे। यूएई ने भी एक क्रूड आयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की है जो कि आयल ट्रांसपोर्ट करेगी डायरेक्टली टू द गल्फ ऑफ ओमान बाई पासिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। यानी आप ये देख सकते हैं कि यूएई का जो कंट्री है ये डायरेक्ट ही गल्फ ऑफ ओमान में डालेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बाईपास करेगा। अब ये क्यों कर रहे हैं ये ममालिक, ये भी समझने की ज़रूरत है कि ईरान का कंट्रोल, अगर ईरान यहाँ पे इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर देता है क्योंकि ईरान की प्रॉक्सिमिटी में है और कोई ईरान के साथ झगड़ा हो जाता है, इशू बन जाता है, ईरान इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर देता है तो इनके पास आल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर इन्होंने अपनी पाइपलाइनें बिछाई हुई हैं कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बाईपास कर सकें। लेकिन फिर भी उसकी जो कैपेसिटी है कम है क्योंकि अदरवाइज 20 मिलियन बैरल्स आयल पर डे गुजर रहा है और पाइपलाइन के जरिए बमुश्किल 5 मिलियन बैरल आयल, या फिर हमने गैस का देखा तो ये जो है ये भी बहुत कम है। यानी जो हमने यूएई का देखा this pipeline can pump up to around 1.5 million barrels per day। तो ये भी बहुत कम है ऑयल। इसको ये दूसरी स्लाइड, दूसरे बुलेट पॉइंट है, इसको इसमें दिस पाइपलाइन कैन पंप अप टू 1.5 बिलियन नहीं है, मिलियन है, मिलियन बैरल्स पर डे। Oil exporting countries have constructed other pipelines as well, but they are less effective because they cross international boundaries। और वहाँ पे अक्सर ममालिक के आपस में अख्तलाफात हैं, लिहाजा वो जो उसका ट्रांजिट जो उसके ऊपर काफ़ी सारे क्लैशेस हैं। अब इसकी हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी क्या है। इट इज़ सो नैरो दैट दिस स्ट्रेट लाइज इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द बाउंड्री कंट्री, जो हम पहले बात कर चुके हैं। Any conflict among the boundary countries may have adverse repercussions on the international trade being carried through this strait। जैसा कि बहुत दफ़ा वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, वो भी हम इसमें देखते हैं। Route from Persian Gulf to Southeast Asian markets passes through two significant straits, Strait of Hormuz and Strait of Malacca। अगर ये आयल ने जाना हो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में तो फिर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से भी गुजरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ दिस स्ट्रेट इन जियोपॉलिटिक्स। दिस इज द मेन रूट फॉर इरानियन आयल एक्सपोर्ट्स। आयल मेक अप 2/3 ऑफ ईरान एक्सपोर्ट्स, यानी अराउंड 60 to 70% जो एक्सपोर्ट्स हैं ईरान की वो आयल की एक्सपोर्ट्स हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की खास सिग्निफिकेंस है इन ईरान यूएस कन्फ्लिक्ट, क्योंकि जब भी यूएस ने सैंक्शन लगाई और दुनिया के ममालिक को रोका कि ईरान से ट्रेड ना करें, ईरान ने हमेशा धमकी दी है कि अगर आपने हमारी एक्सपोर्ट्स बंद की तो हम आयल को पर्शियन गल्फ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से नहीं गुजरने देंगे। ईरान है थ्रेटन्ड ऑन ए नंबर ऑफ इक्वेशंस दैट इफ द यूएस ट्राइज टू ब्लॉक ईरानियन एक्सपोर्ट्स नो आयल कैन बी एक्सपोर्टेड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ से मुराद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही है। The US has warned Iran that crossing the Strait of Hormuz is a red line that would provoke an American response। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारे मौकों पे ईरान धमकी दे चुका है और यूएस जो है वो भी उसने भी क्लियर किया है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम इसको एक एक्ट ऑफ वार सबर करेंगे, हम ये समझेंगे कि अब जंग जो है वो नागुज़ीर हो गई है। तो ये एक सेंसिटिव पॉइंट है इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कंट्रीज इन अरेबियन पेनिनसुला आर अलाइड विद द यूएस, मोस्टली जो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान, ये यूएस अलाइड हैं। और ईरान जो है वो आपको पता ही है, उसके ऊपर भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, ईरान और यूएस टेंशन जो है उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर डिमांड ये टॉपिक करता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको जानना ज़रूरी है कि ईरान जो है इन कंट्रीज़ के साथ इसलिए भी नहीं बने, एक तरफ यूएस अलाइड कंट्रीज़ हैं और ईरान जो है वो एंटी यूएस है। वन एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एंड ईरान इज द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, क्रिटिकल इन सऊदी अरेबिया ईरान कन्फ्लिक्ट। सऊदी अरेबिया ईरान के तलक़ात अच्छे नहीं हैं, चूँकि सऊदी अरेबिया प्रो यूएस है, ईरान एंटी यूएस है, और भी बहुत सारे इनके दरमियान इख्तलाफात हैं। तो ये भी एक दरमियान में इनकी आपस में जो एक बफर जोन के तौर पे आती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, पर्शियन गल्फ, तो इसलिए ये एक अहम पॉइंट है बिटवीन द सऊदी अरेबिया एंड ईरान। अब हम जाते हैं कि 1984 में ईरान और इराक ने एक दूसरे की ऑयल एक्सपोर्ट बंद करने की कोशिश की और 1984 में टैंकर्स वार हुई थी। इस टैंकर्स वार में दोनों ममालिक ने एक दूसरे के टैंकर्स पे अटैक किए। तकरीबन 240 टैंकर्स के ऊपर अटैक हुआ, जिनमें से 55 टैंकर ऐसे थे जो डूब गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो ये टैंकर्स वार कहलाती है। यानी ये एक हिस्ट्री बता रहे हैं कि इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में क्या क्या पहले हो चुका है तारीख में। फिर अप्रैल 18, 1988 हुआ क्या था कि यूएस नेवी वेज्ड वन डे ऑपरेशन नेम्ड एज ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस इन एंड अराउंड द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगेंस्ट द इरानियन फोर्सेज। द यूएस फोर्सेज सैंक 1 फ्रिगेट, 1 गन बोट एंड 6 आर्म्ड स्पीड बोट्स। इन्होंने ईरानियन फोर्सेज की ये जो एसेट से तबाह किए। फिर जुलाई 3, 1988 में क्या हुआ, 290 पैसेंजर्स वर किल्ड व्हेन एन ईरान एयरबस A300 वाज शॉट डाउन ओवर द स्ट्रेट बाय द यूएस नेवी व्हेन इट वाज रॉन्गली आइडेंटिफाइड एज जेट फाइटर। यूएस नेवी ने ईरान का इख्तियार करा दिया, ये समझते हुए कि ये एक फाइटर जेट है, और हालांकि ये एक पैसेंजर प्लेन था जिसमें 290 मुसाफिर जो हैं वो जान की बाजी हार गए थे, और ये यहाँ पे ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अराउंड हुआ था। फिर जुलाई 2019 में एक और सिग्निफिकेंट वाकया हुआ कि ब्रिटिश टैंकर को ईरान ने कब्जे में ले लिया जो कि यहाँ से गुजर रहा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। उसकी वजह ये थी कि उससे कुछ दिन पहले बरतानिया ने जो अपनी कॉलोनी थी जिब्राल्टर, उसमें एक ईरान के टैंकर को कब्जे में लिया था जो कि सीरिया जा रहा था। तो उसके रिस्पांस में ईरान ने ब्रिटिश टैंकर को कब्जे में कर लिया। हाउ ईरान कैन मेक दिस स्ट्रेट पोटेंशियली अनसेफ, मैनेज द वे थ्रू अटैक्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ सी माइंस, सबमरीन एंटी शिप मिसाइल्स एंड कैप्चर ऑफ ऑयल टैंकर्स, जैसा कि उसने ब्रिटिश टैंकर्स के साथ 2019 में किया। क्या इम्पैक्ट आएगा अगर ईरान ऐसा कुछ करता है या इस स्ट्रेट में, इस रीजन में स्टेबिलिटी आती है, उससे क्या होगा? उससे ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी पूरी दुनिया में, और जो भी इंडस्ट्री ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है उसके ऊपर नेगेटिव रिपरकशन आएंगे। And causing any instability could be considered as an act of war by the US and Saudi Arabia। इसके ये geopolitical consequences हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर US और सऊदी अरेबिया जो इमदाद में आ जाएंगे और खित्ते में एक जंग छिड़ सकती है। ये इतनी इम्पोर्टेंट है, इतना सेंसिटिव पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में। Now coming to the conclusion, this strait has geopolitical importance. This strait has geostrategic importance. It is the potential flashpoint between the US and Iran and between Saudi Arabia and Iran. It is need of the hour to maintain peace and stability in the region. Otherwise, repercussions could be disastrous. all players, Iran, Saudi Arabia, US, China, need to act wisely and show restraint in the face of any provocation or misunderstanding. एक बात याद रखें, कोई भी मिसकैलकुलेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी जंग का पेशेखामा बन सकती है। लिहाजा तमाम स्टेक होल्डर्स को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेंट और एहतियात की ज़रूरत है इस पॉइंट पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। थैंक यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।